हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक अलग वीडियो शेयर करूंगी। तो मुझे कुकिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए आज मैं आपके साथ एक केक की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है एंड आप इसे अपने घर पे ही इजी प्रोसेस से बना सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक करके जाना, मेरी वीडियो को शेयर करना एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले एक बाउल लिया है। बाउल में पहले मैं ऐड करूंगी आधा कप ऑयल। यहाँ पे आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूंगी एक कप पाउडर शुगर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर को ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक कप पाउडर शुगर ऐड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओरोसो की फ्रेंड्स वनीला फ्लेवर मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ये जो ओरोसो की फ्रेंड्स वनीला फ्लेवर है बहुत अच्छी इसकी टेस्ट है। मैंने इसको अमेज़ॉन से परचेज किया था। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ये फ्रेंड्स वनीला एसेंस मैंने यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद मैं इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी मैदा। मैंने यहाँ पे 1.5 कप ऑफ मैदा यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से मैदे को ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड 1 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। उसके बाद मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसकी एक अच्छी बैटर बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिल्क। एंड ये जो मिल्क है ये रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी मिल्क ऐड करके इसको मिक्स करूँगी। तो ये मेरी केक की बैटर बिल्कुल रेडी हो चुकी है एंड अभी हम इसकी केक टिन को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक नॉर्मल सा टिफ़िन है एंड इस टिफ़िन को मैं अच्छी तरह से बटर से ग्रीस कर लूँगी ताकि हमारी जो केक है वो चिपके ना। उसके बाद मैं यहाँ पे बटर पेपर भी ऐड करूँगी। बटर पेपर को ऐड करने के बाद उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी और बटर ग्रीस कर लूँगी। तो अभी मैं केक की बैटर को केक टिन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो आपको अच्छी तरह से केक की बैटर को केक टिन में अच्छी तरह से ट्रांसफ़र करनी है। तो अभी मैं केक टिन को थोड़ी सी टैप कर रही हूँ ताकि जो एयर बबल्स है वो रिमूव हो जाए। तो इसके बाद मैंने एक कुकर लिया है एंड कुकर के नीचे आप ये जो देख रहे हो ये सॉल्ट है। बट इसकी कलर इसलिए आपको डिफरेंट लग रही है क्योंकि इस सॉल्ट को मैंने बहुत बार केक बनाने के लिए यूज़ किया था। तो इस कुकर में मैंने सॉल्ट डालकर 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ये स्टैंड यहाँ पर डाली है ताकि हमारी जो केक टिन है यहाँ पर मैं रख सकूँ। तो अभी हमारी जो केक की बैटर है वो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से फिट कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे कुकर के ढक्कन को लगा रही हूँ एंड आप देख सकते हैं मैंने इसकी विसल को रिमूव कर दिया है। एंड अभी हम इसको मीडियम फ्लेम में आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद मैं इसको चेक करूँगी, अगर अच्छी तरह से नहीं हुई है तो इसको मैं फिर से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 40 मिनट्स के बाद मैंने गैस को ऑफ कर लिया था एंड आप देख सकते हो मेरी जो केक है बिल्कुल रेडी हो चुकी है एंड अभी हम इसको ठंडी होने के लिए रख देंगे। तो केक बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अभी मैं केक को थोड़ी सी साइड से कट करूंगी ताकि केक जो है वो आसानी से बाहर निकले। अभी मैं एक प्लेट की हेल्प से केक को बाहर निकालूंगी एंड आप देख सकते हैं कितनी ईजीली केक बाहर निकल के आ गई है एंड बटर पेपर जो है वो केक टिन में ही रह गई है।
तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी केक बनी है एंड ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है, ये देखिए, एंड खाने में भी बहुत ही ज़रा टेस्टी है। तो आप इस तरह से अपने घर पे ही इजी तरीके से विदाउट एग, विदाउट ओवन, आप घर पे ही कुकर में ये केक बना सकते हो, बहुत ही ज़रा टेस्टी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगी एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।